भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते गोपाल भैया। ठीक है, तो नमस्ते सभी को। सभी का इस मॉर्निंग सेशन में स्वागत है। तो हम लोग पिछले कई दिनों से अभ्यास कर रहे हैं कि अपनी कल्पनाशीलता को देख पाएं, कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसको देख पाएं, फिर उसके पीछे के भाव को समझ के उसका मूल्यांकन कर पाएं। इसी का हम लोग काफी समय से अभ्यास कर रहे हैं, काफी दिनों से अभ्यास कर रहे हैं। तो कल काफी लोगों के प्रश्न रह गए थे, हाँ, हैंड रेस थे। तो कल मैंने कहा था कि हम लोग ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी इमीडिएटली किसी का प्रश्न है हम लोग उसको ले लेते हैं, नहीं तो फिर मैं कंटेंट को ब्रीफ करूंगा। तो पिछले कुछ दिनों में जो भी हमारा अभ्यास रहा है, 3 4 5 दिनों में, उसको देखकर जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किए हैं, जो भी देख पाए हैं उसको भी शेयरिंग कर सकते हैं, है ना। जो भी देखने में चूक हुई है उसको हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। नमस्ते भैया। जी जी भैया, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है कि हम जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम अनुकरण करते हैं फैमिली में से। तो फैमिली से हमें जो भाव मिलता है और हमारा खुद का भी एक्सप्लोरेशन होता है, उससे हम आगे जाते हैं। लेकिन अगर कुछ भाव समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर फैमिली में से ही कंपटीशन का भाव आ रहा है और अभी हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कंपटीशन नहीं, कॉम्प्लीमेंटरिटी में रहना है, लेकिन ऐसा मैंने अगर एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या होती है, तो वो भाव भी मुझे नहीं समझ में आता है। तो ऐसे कुछ भाव है जो थोड़े मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि मुझे अफेक्शन का भाव लग रहा है क्योंकि जेलसी नहीं है, लेकिन फियर भी हो सकता है। तो इस बात को जब भाव को लेके जब मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा वो मुझे आप हेल्प करेंगे भैया वहाँ पे। जी देखिए, तो हो सकता है कि अभी हम लोग उसको ऑब्जेक्टिवली ना बता पा रहे हो कि ये ट्रस्ट का फीलिंग है या रिस्पेक्ट का फीलिंग है या अफेक्शन का फीलिंग है ना, केयर का फीलिंग है, गाइडेंस का फीलिंग है। हो सकता है ऑब्जेक्टिवली उसे ना हम डिफरेंस करके बता पा रहे हो, है ना। जैसे हमारे में कुछ भाव चल रहा है, तो ये हो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम उसको क्लियरली शब्द के रूप में ना बता पा रहे हो कि ये ट्रस्ट चल रहा है कि रिस्पेक्ट चल रहा है, अफेक्शन चल रहा है कि गाइडेंस चल रहा जी है जी ना। भैया। हो सकता है ये ना बता पा रहे हो, तो उसको ऑब्जेक्टिवली हम देख पाए ना, जैसे ट्रस्ट को ट्रस्ट की तरह देख पाए, रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट की तरह देख पाए, तो भाव को भी हम वैसे ही ऑब्जेक्टिवली देख पाए जैसे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो उसके लिए दीदी हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं, और अभ्यास में जो अभी स्टेप चल रहा है कि पहले अपने को देखना, फिर उसके पीछे के भाव को देखना। अब हम जब भाव को देख रहे हैं, तो हम ये अपने से पूछ रहे हैं कि भले अभी हम ऑब्जेक्टिवली ना देख पा रहे हो, लेकिन अपने से पूछ रहे हैं सहज स्वीकार है कि नहीं है, स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं है, उसकी निरंतरता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर ये सब हो गया है ना, फिर उसको और ध्यान से देखेंगे। जब देखेंगे तो एक भाव ट्रस्ट का है, एक भाव रिस्पेक्ट का है, इसको हम ठीक से डिफरेंस करके भी देख पाएंगे कि ट्रस्ट का भाव ये है और रिस्पेक्ट का भाव ये है। तो अभी क्या है कि अगर हम उतना सूक्ष्म होकर, है ना, अगर ये स्टेप 2 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर वो डिफरेंस करना मुश्किल है। मतलब परिभाषा के रूप में आप समझ सकते हैं ट्रस्ट किसको कह रहे हैं, रिस्पेक्ट किसको कह रहे हैं, लेकिन आप जो पूछना चाह रही हैं कि हम उसको समझ के भी बता पाएं कि हाँ ये जो भाव चल रहा है देखो ट्रस्ट का चल रहा है, ये भाव चल रहा है रिस्पेक्ट का चल रहा है ना। तो जैसे इंटेंशन को अगर हम देख पा रहे हैं, दूसरे की इंटेंशन को देख पा रहे हैं कि उसका भी इंटेंशन साउंड है, तो ये ट्रस्ट का भाव है, परिभाषा के रूप में तो ऐसे ही दिखता है। लेकिन जब आप उसे देखने का अभ्यास करेंगे, है ना, तो क्या हम अपनी
जो ये स्टेप टू में पूछ रहे हैं, क्या मुझे सहज स्वीकार है? तो जब हम अपने से ये पूछेंगे तो सहज स्वीकार क्या है, सहज स्वीकारता जो मेरे में बनी हुई है, नेचुरल एक्सेप्टेंस जो मेरे में बना हुआ है, उस पर भी मेरा ध्यान जाएगा, उस पर ध्यान जाएगा तो हम ये देख पाएंगे वो सभी में बना हुआ है ना? तो इतना जब ध्यान जाएगा तब मैं बोल पाऊंगा हाँ देखो मैं ट्रस्ट के भाव के साथ इस समय हूँ। अच्छा जी फिर नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे मैं देखूंगा कि दूसरा मेरे जैसा है, फर्स्ट प्रोग्राम पोटेंशियल में जब ये दिखने लगेगा उसका पोटेंशियल भी दिखने लगेगा, अपना भी पोटेंशियल दिखने लगेगा, इनफैक्ट अपना दिखने लगेगा तो दूसरे का तुम देख ही पाएंगे। तो जी जब जी इन चीजों पर भैया और सूक्ष्मता से ध्यान जाएगा तो फिर हम बता पाएंगे देखो ये रिस्पेक्ट का फीलिंग चल रहा है ना? तो वो हाँ हम देख के बता पाए एज इट इज, तो उसके लिए तो और भी अभी सूक्ष्मता चाहिए। लेकिन जब तक देख के नहीं बता पा रहे हैं तब तक व्यवहार में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे आइडिया तो ले ही सकता है ना? तो वही हम लोग स्टेप वन स्टेप टू में बात कर रहे हैं कि अगर हम भाव को भी डायरेक्टली नहीं भी देख पा रहे हैं तो आफ्टर थॉट के रूप में उसको देखें। तो जैसे कि आप अपने बच्चे के लिए है ना भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बना रहे हैं तो आफ्टर थॉट के रूप में हम ये देख सकते हैं कि भोजन बना रहे हैं क्योंकि ममता का भाव है। जी लेकिन ममता का भाव है उस समय मैं अपने भाव को देख पा रहा हूँ, ये थोड़ा सा और अभ्यास का मुद्दा है और थोड़ा सूक्ष्म होने की जरूरत है। अभी आपने सही कहा, मैं भी इस भाव को एक्सप्लोर कर रही हूँ कि बेटे के लिए खाना बनाए या घर के लोगों के लिए खाना बनाना है तो ममता का भाव है, उनको अच्छा लगा कि नहीं, पेट भरा कि नहीं है और कुछ चाहिए, ये हम सोचते हैं। तो अभी इसमें भी सूक्ष्मता का भाव मतलब कैसे भैया? सूक्ष्मता का मतलब ये है कि आप जो अभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे में भाव चल रहे हैं ना, हम उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं मतलब डिफरेंस करके नहीं देख पा रहे हैं, हाँ वो सब मिक्स हो जाता है। तो ममता के भाव के साथ स्नेह का भाव भी बना हुआ है लेकिन हम अलग करके नहीं देख पा रहे हैं, है ना? जी तो जी जी अगर वो प्रश्न है भैया आपका कि अलग करके नहीं देख पा रहे हैं तो उसकी का मैं आंसर दे रहा हूँ कि अलग करके हम देख पाए उसके लिए भाव पर और ध्यान बनाने की आवश्यकता है। ठीक ठीक है भैया जी भैया जी। तो ये जब हम लोग अभ्यास कर रहे हैं है ना, तो अभ्यास में हम लोग पहले कल्पनाशीलता को देख रहे हैं, आशा को देख रहे हैं, विचार को देख रहे हैं, भाव को देख रहे हैं, फिर अपने से पूछ रहे हैं सहज स्वीकार है कि नहीं। फिर अगर आंसर आ रहा है कि सहज स्वीकार है तो हम उसको और ध्यान देंगे, फिर हम देख पाएंगे जो सहज स्वीकार भी है ये कौन सा भाव है, विश्वास का भाव है कि सम्मान का भाव है कि स्नेह का भाव है ना? तो मतलब सूचना रूप में तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम भावों को भी उतना ही ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं जितना वस्तुओं को भी देख रहे हैं। जैसे हम विचारों को अब देखने लगे हैं ऑब्जेक्टिवली कि सहज विचार चल रहे हैं असहज विचार चल रहे हैं, तो हम लोगों ने देखना शुरू किया तो हम देख पा रहे हैं। इसी तरह भाव के लेवल पर भी जाकर सहज है असहज है एक ये देख पाएंगे, फिर और अगर हमारा ध्यान देने का प्रक्रिया में ध्यान जाएगा और हम ध्यान से देखेंगे तो फिर हम भाव को भी बता सकते हैं ये मेरे में विश्वास का भाव चल रहा है, ये मेरे में सम्मान का भाव चल रहा है, उसको देख भी सकते हैं और देख के बता भी सकते हैं उसको। लेकिन वो बात ठीक है कि अभी तो हम लोग मिक्सिंग रहता है, हम लोग क्लियरली बता नहीं पाते अभी, तो उसका रीजन यही है कि हम उसको क्लियरली देख के बता पाए तो ध्यान देने की आवश्यकता तो है ही है। तो जब जब मैं इंटेंशन देख पा रहा होगा तो विश्वास का भाव है, जब मैं पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल देख पा रहा होगा तो सम्मान का भाव दिखेगा। तो जैसे अभी भी देखिए हम लोग जब इंटरेक्शन करते हैं तो हम क्या सेंटर में रख के इंटरेक्शन कर रहे हैं, सहज स्वीकृति को सेंटर में रख के इंटरेक्शन कर रहे हैं या दूसरे का व्यवहार भाषा उसका कपड़ा ये सेंटर में रख के अट्रैक्शन करते हैं। तो अगर हम भाव को सेंटर में रख के अट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये मेरे लिए मुद्दा नहीं बनेगा बहुत ज़्यादा, उसका कपड़ा उसकी शक्ल है ना उसका रूप, तो फिर तो सीधे सीधे भाव को हम देख पाएंगे और उसमें भी होने वाले भाव को देख पाएंगे, भाव या भाव दोनों को देख पाएंगे, तो हमारा कम्युनिकेशन ही शिफ्ट हो जाएगा बिल्कुल।
अभी अगर उतना ध्यान नहीं गया है तो हम शब्दों के कुछ अर्थ निकालते रहते हैं, उससे हम उसके भाव में भी नहीं पहुंच पाते हैं, और अन्यथा अर्थ निकाल लें तो अपने भाव में तो पहुंच ही नहीं पाए फिर हम, तो ये सब क्राइसिस हो जाता है दीदी। जी ठीक है दीदी, इतनी बात। हाँ भैया, फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं अभी देख पाई कि जब मैं कोई भी काम करती हूँ तो सामने वाला अप्रिशिएट करता है, तो रिस्पेक्ट करता है, और करेक्शन का कुछ हो तो वो भी बताते हैं, तो वहाँ पे अफेक्शन का भाव भी दिखता है। तो थोड़ा सा मूल्यांकन में ही चूक हो रही है कि मैं उसको कैसे ले रही हूँ। जी भैया, मैं इसके ऊपर और काम करती हूँ। देखिए, हम उसको वैसे ही लेंगे जैसे हम अपने को ले रहे हैं, हाँ सिंपल सी हाँ बात है। अगर हम जी। अपने अगर हमारा अपना ध्यान केवल शब्द और भाषा पे रहता है तो दूसरे के भी शब्द और भाषा पे जाएगा। हमारा ध्यान अपनी कल्पनाशीलता पे रहता है तो उस पर भी ध्यान देंगे तो उसकी कल्पनाशीलता पे भी हम देखेंगे क्या चल रहा है, कोशिश करेंगे समझने की। अपने भाव पे ध्यान रहता है तो हम कम्युनिकेशन करते समय उसके भाव को भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसने जो इतना बोला है उसके पीछे क्या भाव रहा है। अपने स्वभाव पे ध्यान जाएगा तो बोलते समय हम उसके स्वभाव पे भी ध्यान बना के रखेंगे कि इसमें भी कुछ इननेट है ना, इसमें भी कुछ इंटेक्ट है, इसमें भी कुछ इनवेरियंट है। तो जितना जितना हम अपने बारे में देख पाएंगे उतना उतना हम दूसरे के बारे में देख पाएंगे। जी भैया, भैया जी, तो करती दूसरे मैं को अगर करती समझना हूँ। है तो अपनी डेप्थ और बढ़ानी पड़ेगी। हाँ ठीक है भैया, धन्यवाद तो ऐसे जी नमस्ते भैया। भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। अब भैया मेरी आवाज आ रही है सुन से? जी, साफ आ रही है। जी भैया। भैया कल का एक और ऑब्जर्वेशन था कि जैसे मैंने बताया था कि परसों की कुछ बात हुई थी, तो उसमें बहुत ज्यादा विरोध का भाव आया था, और मेरा रिएक्शन इस तरह से निकल रहा था कि जो बातें मैं सुन रही थी उसके अगेंस्ट में बात कर रही थी, और समझ नहीं आया कि कितनी जल्दी हुआ। कल फिर थोड़ा सा एक ऐसा ही सिनेरियो हुआ, कोई छोटी सी बात हुई तो मैं भी पलट के शब्द बोलने लगी, और फिर उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद मैं रुक गई और फिर ऑब्जर्व करती रही कि क्या चल रहा है, और इस रिएक्शन को मैं थोड़ा देर शांति से देखती रही, सुनती रही, और कोई मैंने मतलब कुछ बोला नहीं, बट लग रहा था कि अंदर से अंतर्विरोध अभी चल ही रहा है। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा नॉर्मल चीजें हो गई, फिर देखा कि परसों का जो सिनेरियो था वो थोड़ा लंबा था, कल जो बात हुई थोड़ा शांत हुई तो उसके बाद वो थोड़ा शॉर्ट हो गया, और धीरे धीरे फिर ध्यान गया कि वही चीजें की मान्यता की वजह से शायद ये सारी चीजें हो रही है, उस पर ध्यान गया, और फिर लगा कि नहीं, लेकिन ये भाव मुझे क्योंकि स्वीकार्य नहीं है तो मुझे इसमें तो नहीं रहना है, बट मैं उसे देखूं तो सही कि क्या चल रहा है। तो फिर मुझे ये समझ आया कि अगर कोई भी चीज बाहर से आ रही है और आप अपना ये तय कर लो कि मुझे इस पे कोई रिएक्शन नहीं देना है, तो आप सहज हो पाते हो। भैया ये ऑब्जर्व कर पाई क्या, मैं सही सही बोल रही हूँ भैया? उसको लाइन को मैं और फाइन कर देता हूँ, बात आप शायद वही कहना चाह रही होंगी। जी रिएक्शन नहीं दूंगी ये एक भाग है ना। दूसरा भाग ये है कि बाहर से कोई कुछ कह रहा है तो सबसे पहले उसके कहने से मेरी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है मैं इस पर ध्यान दूंगी। उस कल्पनाशीलता में जो विचार चल रहा है, आशा चल रही है, उसके पीछे मेरा भाव क्या है मैं इस पर ध्यान दूंगी। फिर उस भाव, वो भाव मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं है मैं इस पर ध्यान दूंगी। और जो भाव सहज स्वीकार है अब मैं उससे अपना विचार फैलाऊंगी और रिस्पॉन्स करूंगी। इतना करूंगे तो रिस्पॉन्स होगा। अगर केवल पहला वाला पार्ट करेंगे ना कि रिएक्शन नहीं देंगे तो बाहर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन इनर रिएक्शन चलता रहेगा। तो बाहर हो जी सकता है हम भैया, चुप हो जाएं इस निर्णय के साथ कि हम रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन अगर इंटरनली इतनी स्टेप हमने अपने में नहीं की है तो हमारे में इनर रिएक्शन रह सकता है। तो रिएक्शन नहीं होना है एक तो ये भाग है, और इनर रिएक्शन भी नहीं होना है ये दूसरा भाग है। फिर रिस्पॉन्स होना है, यहाँ तक हमको पहुँचना है। तो रिस्पॉन्स तक पहुँचना है उसकी प्रक्रिया ही पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सामने वाला बोल रहा है, मेरी कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा है,
मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ, उसके पीछे के भाव को देख पा रहा हूँ, अपने से पूछ पा रहा हूँ सहज स्वीकार है कि नहीं, है ना। फिर जो सहज स्वीकार है उसके अर्थ में मैं वापस विचार फैला रहा हूँ और फिर उसको आंसर कर रहा हूँ, तो ये रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो इसमें मैं भी दुखी नहीं होऊंगा, पूरे प्रोसेस में मैं कंफर्टेबल बना रहेगा रहूंगा। और दूसरा, जब ये देख पाएगा कि मैं कंफर्टेबल होके रिस्पॉन्स कर रहा हूँ तो उसका भी ध्यान जाएगा, उसके लिए मैं वातावरण भी बन सकता हूँ, तो दोनों साइड काम होगा। तो इतना उसमें दीदी और हाँ जोड़ना है। भैया, वो जैसे जो आपने कहा ना कि दूसरे के लिए भी एनवायरनमेंट बनता है, तो वो भी मैं देख पाई कि जब मेरा रिएक्शन कम हो गया और मैं सिर्फ सुन रही थी, उसके बाद सामने वाले का भी वो पार्ट, मतलब वही कि उसने फिर जो बोलना शुरू किया तो उसमें उसके शब्दों का जो था ना, जैसे पहले जो शब्दों की फ्रिक्वेंसी थी या बोलने का होता, वो कम होता दिखा मुझे। ये अब उस तरह का थोड़ा भाव भी शांत हो चुका है और उस तरह के शब्द भी नहीं निकल रहे, ऐसा भैया। सही बात है। तो अगर हम सहज रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, है ना, तो सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा चिल्लाने का स्कोप मिलता नहीं है। वो तो स्कोप हम दे देते हैं, हम इनर रिएक्शन में रहते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, आँखों का कलर, ये सब स्कोप बना देते हैं। तो अगर हम और अपने ये में भी सहज कि हैं, जी 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 आप बताइए। बोलते ये नहीं नहीं कि बताइए क्या बताइए। कहते हैं, आपने बोला था ना कि ये ध्यान देना है कि सामने वाला कर रहा है या मैं खुद कर रहा हूँ, फिर ये भी दिखा कि सही नहीं, बात। मैं ही शायद मैं ही कर रहा हूँ, मेरे ही अंदर शायद वो सब चीजें हैं जो कि थोड़ा सा किसी के बोलने पर बाहर निकल आती है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण, अगर आपने देखा है तो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि हमको ये दिख जाए कि बाहर वाला बोल रहा है, मेरा अपना संस्कार कोई जगता है, मेरे अपने कुछ निर्णय हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, उससे चीजें फैलेंगी, है ना। और उसका मुझे दुख भी मिल रहा है, मैं दुख भी भोग रहा हूँ अगर अन्यथा फैल रहा है तो ये एक बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो। तो जी भाई दीदी, यही ना कि भाई एक ही तरह की बातें, एक ही तरह की चीजें, उसमें सेम रिएक्शन, और मैं काफी टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि उन चीजों को रिजॉल्व कर पाऊँ। तो रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस मतलब मुझे समझ आया, तो मुझे ये लगता है कि पहले तो उन चीजों के बारे में बातें हो जाए क्लियरली, और फिर बातों से उस चीज को मैं दूसरे के इंटेंशन लेवल तक जा पाऊँ कि उसके इंटेंशन तो ऐसे नहीं है, नहीं है या नहीं थी, वो हो गया जो भी चीजें थी या कंडीशन थी उसकी वजह से। तो ये इस तरह से ठीक रहेगा क्या भैया? जी दीदी, वही मैं अभी लास्ट जो बात हो रही थी दीदी से, श्रीलेखा दीदी से, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जब हम दो तरह से चीज़ों को देख सकते हैं, तो आफ्टर इफेक्ट में देख सकते हैं कि चीज़ें हो गई हैं, फिर हम परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन अपने में ये बात बिठा रहे हैं कि देखो इंटेंशन तो उसकी अच्छी है ही, जैसे मेरी अच्छी है, तो मेरे में जो तूफान उठ रहा था कुछ हद तक सेटल हो जाता है। दूसरा ये है कि हम इस बात का भी अभ्यास करें कि जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो मैं अपनी भी नेचुरल एक्सेप्टेंस को देख के स्टार्ट करूंगा और उसके भी नेचुरल एक्सेप्टेंस पे ध्यान बनाए रखूंगा, हाँ वो हम बाद में जी ध्यान भैया, जाता है जब हाँ चीजें होने जी लगती भैया, है। समझ में जी बिल्कुल। क्योंकि भैया हाँ मैंने देखा कि देखिए, जब भी मतलब कुछ इस तरह का होता है तो वो एक ही जैसा ही पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न कुछ अलग नहीं है, मतलब कुछ चीजों पे ही अंतर विरोध होता है, वो वैसे ही कई टाइम से ऐसे ही चलता आ रहा है, और फिर वो सेम उसको रिएक्शन किसी में लेकर, रिजोल्व नहीं हुआ उन है। जी चीज़ों को लेकर जो निर्णय आपने बना रखे हैं वो अभी लूज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आप बार बार उन चीज़ों हाँ से ट्रिगर होते जी हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल भैया। है ना। और फिर थोड़ी देर के लिए तो देखिए सबलस होने के यही, बाद फिर से वैसे ही। जी, तो वो निर्णयों को इवेल्युएट करना जरूरी जी भैया। है ना। तो इसीलिए देखिए, पूरे अस्तित्व में देखेंगे इस बात का हमको समझना जरूरी है कि पूरा अस्तित्व क्या है, उसमें हर एक इकाई का होना क्या है, मेरा होना क्या है ना, मेरे होने का डिजाइन क्या है, कॉन्शियसनेस में क्या क्या इनेट है। इतना अगर ध्यान बना रहेगा तो फिर हम किसी भी कॉन्शियसनेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो उसकी इनेटनेस के साथ ही करेंगे। अब ये सब ध्यान से मिस हो जाता है हमारे, तो हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, हाँ तो कहीं से भी स्टार्ट बिल्कुल करते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ना। इस भैया, बहुत ही जी समझ आई, धन्यवाद भैया, नमस्ते सभी को। जी इसीलिए पूरे UHV 2 और आगे के शिविरों में हम लोग देखेंगे, तो एक
कंप्लीट बात हो रही है ना, केवल ह्यूमन को समझ लिए इतनी बात नहीं हो रही है, ह्यूमन ह्यूमन का एक्सपेंशन लिविंग में पूरे एग्जिस्टेंस तक, फिर एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस के रूप में देखना, सहअस्तित्व के रूप में देखना, फिर सहअस्तित्व में जो व्यवस्था बनी है उस पर ध्यान देना, फिर व्यवस्था में हमारा एक्सपेंशन क्या है, हमारी भागीदारी क्या है, उसके साथ चीज़ों को देखना। इतना देखेंगे तो मनुष्य के साथ जब भी इंटरेक्शन करेंगे तो उसमें क्या जी इननेट है उस पर हमारा ध्यान बना रहेगा। भैया, अभी जब आप बोल रहे हैं तो ध्यान जा रहा है कि ये सारी चीजें हम देखते ही नहीं है, क्योंकि अपने आप को ही देखना शुरू नहीं किया है, और क्योंकि अपने आप को देखना शुरू नहीं किया तो बाकी चीजों पे तो ध्यान कैसे ही जाएगा। इसीलिए जब भी दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो उसके शब्द क्या है, भाव तक भी नहीं जाते, और अगर कुछ इस तरह का लग रहा है तो सीधे फिर वो रिएक्शन आता कि ऐसे कैसे। मैं सही समझ पा रही हूँ भैया क्या? जी देखिए, अगर इतनी सब चीज़ों पे ध्यान नहीं बना है और हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हमारा ध्यान इस पे ज़्यादा बना रहेगा कि मैं जो समझा रहा हूँ ये समझ जाए बस, हाँ जी, उसमें भी समझ नहीं जाए, मैं जो कह रहा हूँ उसमें सहमति दिखा दे कि यही वो सही है। तो बिल्कुल यही सही है जी भैया। यहाँ से फिर हम लोग शुरू करते हैं, इस एक्सपेक्टेशन से शुरू करते हैं तो फिर वो बहुत सारा झंझट क्रिएट हो जाता है। जी भैया, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। ठीक है दीदी नमस्ते भैया। जी। भैया ये जैसे ऑब्जर्वेशन की जो बात चल रही थी, तो कल एक्चुअली मैंने हैंड रेज किया था लेकिन बात नहीं हो पाई थी, तो आज थोड़ा सा जी उससे रिलेटेड रखना चाहूंगी कि कल आप भाग्यशाली दीदी को शायद समझा रहे थे, और जब आप वो समझा रहे थे तो आपने जो कहा एग्जैक्टली वैसा ही परसों मेरे साथ में हुआ था कि जी भाव देखा, और जैसे ही भाव दिखे, और ये पता होने के बावजूद भी कि हम विचारों में उसका विश्लेषण करने लगते हैं, वो मतलब वो कब विचार में आ गए, विचारों का विश्लेषण शुरू हो गया, वो घटनाएं ध्यान में आने लगी, और उन घटनाओं से संबंधित फिर वो जो जो संस्कार बने थे या जो पीड़ाएं हुई थी, वो मतलब काफी फैला, बहुत अच्छा वाला फैला, और मैं बहुत ज्यादा परेशानी में थी। और जब वो परेशानी में आई तो मैंने ये देखा कि जैसे ही मेरे अंदर हारमनी नहीं थी, परेशानी थी, तो फिर मेरा ध्यान जो है वो पहले तो गया कि मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊं, पर वो रिजॉल्व नहीं कर पाई, क्योंकि जितना रिजॉल्व करने की कोशिश करती उतना ही ज्यादा वो और भी ज्यादा फ्लेयर अप हो रहा था। फिर जब अंदर देखा कि अंदर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर लगा कि अब बाहर से कुछ पाया जाए, तो फिर कुछ खाने की इच्छा हुई, या किसी से बात करने की इच्छा हुई, या मतलब बिल्कुल ऐसे हुआ कि मैं ये जो थॉट्स और ये जो चीजें, ये जो अंदर चल रही हैं मेरे, मैं उनसे कहीं भाग लूं, बाहर से कुछ मुझे मिल जाए। फिर बाहर से भी कुछ कुछ कोशिश की, वहां भी नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना ज्यादा फ्लेयर अप हो चुका था कि मतलब जैसे कहते हैं ना, अंदर बहुत ज्यादा हैवीनेस थी, और मतलब ऐसे लग रहा था कि मुझे बहुत जोर से रोना आएगा। और फिर रात होते होते फिर मुझे लगा कि मैं क्यों स्ट्रगल कर रही हूँ, अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं रो क्यों नहीं लेती हूँ। तो फिर मैं मतलब रोई भी, लेकिन रोने के बाद भी ना मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि वो हैवीनेस जो है वो भी ज्यादा बढ़ गई। फिर मुझे लगा मैं रो क्यों रही हूँ, किस बात के लिए रो रही हूँ। फिर मैं एकदम चुप हो गई, और फिर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक सी वो चीजें जो मैं देखने की कोशिश कर रही थी वो उस समय नहीं दिखाई दी, लेकिन बाद में अपने आप ही सब कुछ जैसे मतलब विचारों में हुआ या किस में हुआ कि थोड़ा सेटल होता गया और मैं शांत हो गई। और जो मॉर्निंग सेशन कल आपने जो समझाया, तो मैं बिल्कुल शांत हो गई थी, और उस समय मैंने देखा कि मेरा ध्यान वापस अपने भाव पे और विचारों पे स्थिर हो गया, और मैं कंफर्टेबल वाली स्थिति में थी। तो एक तो ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा मैंने ये देखा कि जैसे मुझे पता है
मतलब किसी व्यक्ति के साथ में अगर मेरे भाव अंदर से सहज स्वीकृति के नहीं है तो मैं इंटरेक्शन अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अगर बात करूंगी तो क्योंकि मेरे अंदर सहज स्वीकृति नहीं है तो के भाव नहीं है तो मेरे अंदर से जो भी कुछ निकलेगा वो उन्हीं भावों के साथ निकलेगा जो मेरे अंदर है, और सामने वाले व्यक्ति के भाव तो वो तो वहां पे जो उधर से रिएक्शंस आते हैं वो भी मुझे नजर ही आते हैं। तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक मेरे भाव और विचार अभी सेटल नहीं हुए हैं तब तक वही वाली चीज होती है कि मैं बाहर जो है वो जितना बनती कोशिश होती है कि मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ कि इंटरेक्शन कम से कम हो, ये वाली स्थिति आती है। तो भैया ये कैसे हैंडल करना है, मेरी बात रख पाई मैं? जी 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 दीदी, बढ़िया है दीदी, है ना। दोनों बातें अच्छी हैं। पहली वाली बात को देखेंगे तो आप उस प्रोसेस से जाते हुए अपने को देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और हम सभी लोग इस प्रोसेस से निकल रहे हैं और देखेंगे। तो जब इस प्रोसेस से हम निकल रहे हैं तो एक तो हम निकल रहे हैं और दूसरा चीज़ों को होने दे रहे हैं, तो ये सब स्टेट का आना है ना तय है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संस्कार हमने पुराने बना रखे हैं, उनको हमने भी कभी इवेल्युएट नहीं किया और ना दूसरों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो इवेल्युएट कर दें हमारे लिए। क्योंकि हम में अन्यथा संस्कार बने हुए हैं और फिर एक अहंकार भी बना रहता है कि हमारा जो सोच रखा है ना यही सही है। तो दूसरा कभी ठीक करने की कोशिश भी करे, बताने की कोशिश भी करे, तो हम अहंकार बस उसको इवेल्युएट भी नहीं करने देते हैं। लेकिन अब इस प्रोसेस में अच्छी बात है कि हम खुद ही अपना जो बना रखा है उसी को देख रहे हैं। तो जो बना रखा है वही निकल रहा है, वही सरफेस लेवल पर आ रहा है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में ऐसा होता ही है और ऐसा होता भी रहेगा जब तक हमारे संस्कार सेटल ना हो जाए। तो कभी हमको बहुत आवेश बनेगा अंदर, है ना, कभी हम कंफर्टेबल भी फील करेंगे, कभी आवेश निकलने के बाद भी उसके आफ्टर इफेक्ट में हमको दिखेगा कि अभी ठीक नहीं लग रहा है, कभी ठीक लगने लगेगा। तो दोनों ही चीज़ों में हम लोग बहुत एक समता बनाए रखें अपने में, है ना। ठीक नहीं लग रहा है उसको भी स्वीकार लें, क्योंकि जो आ रहा है ये तो मेरा ही है, कोई दूसरे का तो है नहीं, हम ही ने बनाया है, तो हमको तो अब देखना ही पड़ेगा। तो लग के एक बार देख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। जी वो टुकड़ों टुकड़ों में देखेंगे, वो बना रहेगा, फिर वो परेशान करता रहेगा। तो जो है वही दिख रहा है हमको, जो हमारी कल्पनाशीलता में स्टोर है, जो हमने बना रखी हैं चीज़ें, वही निकल के आ रही हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्षमता में हम बने रहें, है ना। तो अगर अच्छा आ रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लें और देखें कब तक ये चलता रहेगा। अगर सहज नहीं आ रहा है, अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं, उसको भी देखते रहें और देखते हैं कब तक ये बना रहेगा। तो दोनों में एक समता के साथ उसको देखते रहेंगे तो चीज़ें आती जाती रहेंगी, ये आना जाना लगा रहेगा। आना जाना बेसिकली इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे में वो स्टोर है पहले से, जी बहुत सारी चीज़ें हमने, है ना, समय से निर्णय पूर्वक बना रखी थी, इसलिए बना हुआ है वो। तो ये अच्छी बात है कि आपने जो पहली शेयरिंग की है कि हम उसको देख पा रहे हैं, संस्कारों के वेग को भी देख पा रहे हैं, असहज हो रहे हैं ये भी देख पा रहे हैं, फिर जो होना था उसको भी आपने होने दिया, रोना था रो भी लिया, उसके बाद भी असहज हैं उसको भी देखते रहिए। तो कम से कम हम चीज़ों को निकलने दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। पहली वाली शेयरिंग में तो इतना ही कहूँगा कि जी जो हो रहा है होने देते हैं, अच्छी बात है ये। एक दो दिन बाद आप रिलैक्स फील करेंगे, हो सकता है फिर कोई संस्कार जग जाए, फिर ऐसी स्थिति जी बने, फिर आप रिलैक्स फील करेंगे, चलता रहेगा ये, है ना। पहले जी वाले में तो अभी मुझे इतना कहना है। जी दूसरी वाली बात को अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे में अभी ऐसा लगता है कि हमको, हमारे में भाव इतने स्टेबल नहीं है, अभाव बना रहता है और उससे इस बात का फियर बना रहता है कि मैं बोलूंगा
तो इंटरेक्शन कैसा होगा, है ना, बाहर ज़्यादा सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, यही कहना चाह रही ना दीदी जी, जी। ठीक है, देखिए आप इस प्रक्रिया में भी लगे हुए हैं और इस बात को भी जब देख पा रहे हैं कि मेरे में भी ये बना हुआ है अन्यथा कुछ, तो जब भी आपको ऐसा लगे कुछ अन्यथा बना हुआ है तो उसको अपने से पूछते रहिए, ये मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं है ना, इसकी मैं निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। अगर ये अपने से पूछते भर भी रहेंगे ना तो उसकी इंटेंसिटी लूज होगी। उसमें बस ध्यान देने वाली बात यह है कि तीन स्थितियां हो सकती हैं, मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ हम सबके साथ। एक तो स्थिति हो सकती है कि मेरे में कुछ अन्यथा भाव बना हुआ है, उससे विचारों में फैल गया है, उससे एक्सप्रेस हो गया है, एक्सप्रेस होने के बाद हमारा ध्यान गया है कि कुछ अन्यथा बना हुआ था, हम देख नहीं पाए लेकिन कुछ तो बना हुआ था अन्यथा। अगर ऐसी स्थिति है तो जब भी एक्सप्रेस हो जाता है तो उसको स्वीकार लें कि जो एक्सप्रेस हुआ है ये मेरे में बना हुआ था, इसीलिए विचारों में आया फिर मेरे व्यवहार में आया है, और अपने में फिर से निर्णय बनाएं कि अगली बार, है ना, आज से बल्कि मैं ध्यान में बनाए रखूंगा कि मेरे में जो चल रहा है वो सहज स्वीकार है कि नहीं, है ना। तो एक तो ये है। दूसरा स्थिति ये हो सकती है हम में से कुछ लोगों के साथ कि वो बाहर रिएक्ट नहीं करते हैं, चुप हो जाते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ चलता रहता है, तो विरोध का भाव, विरोध का विचार, वो इंटरनली काफी चलता रहता है। तो अगर ये स्थिति में है तो उसके लिए तो हम लोग प्रक्रिया कर ही रहे हैं कि और इंटेंसली हम लोग ध्यान दें और उसको भी स्वीकारें कि ये मेरी स्थिति है ना, मेरी स्थिति है, मैंने ही निर्णय लिए, उसी से कुछ निकल रहा है, इसीलिए अपने में बना हुआ है। तो उसको ध्यान देते रहें और ध्यान दे के विचार और विचार से भाव, और उसको पूछा जाए क्या ये मुझे सहज स्वीकार है, क्या इसकी निरंतरता हो सकती है, तो धीरे धीरे उसका भी इंटेंसिटी आपको लूज होता हुआ दिखेगा। तीसरा ये हो सकता है कि अब मेरे में कुछ आ रहा है या कुछ बीज रूप में है, बाहर से कुछ किसी ने कुछ बोला और मेरे में कुछ बीज रूप में है, जैसे ही वो हुआ मैंने तुरंत अपना स्टेप वन स्टेप टू किया और उसको रिजॉल्व कर लिया। तो ये तीन स्थितियां हो सकती हैं, तो तीनों को स्वीकार लें हम लोग। तो मेरे में कुछ बहुत गड़बड़ हो गया ऐसा नहीं है, अनअवेयरनेस में कुछ अंदर चला गया था, अवेयरनेस के साथ उसको बाहर निकाल लेंगे, क्या है अपने ही हाथ में है ना। सबसे अच्छी बात है इसमें कुछ करना भी नहीं है, मतलब बाहर से हमने निर्णय पूर्वक अंदर बनाया था, निर्णय पूर्वक उसको विदा भी कर सकते हैं, तो अच्छी बात तो ये है कि हम कर सकते हैं। और जब भी अपने में अन्यथा हमको फील हो रहा है ना, तो हम इस बात को भी और जोड़ दें स्टेप में कि इससे निकलने का पोटेंशियल मेरे में है, मैं ध्यान दूंगा तो निकल सकता हूँ, ये पोटेंशियल मेरे में है निकलने का, इस बात पर भी ध्यान जाना चाहिए। नहीं तो फिर वो जो आप अभी शेयर कर रहे थे कि जैसे ही असहज होते हैं फिर हम कुछ खाने की इच्छा होने लगी, फिर हम बाहर कुछ करने लगे, वो इसीलिए क्योंकि हमको ये ध्यान नहीं रहता है कि इससे निकलने का पोटेंशियल मेरे में, तो हम अपने को डाइवर्ट करने लगते हैं। तो उस समय भी अगर अपने में ये बना रहे कि देखो मैं असहज हो रहा हूँ ये बात ठीक है, लेकिन इससे निकलने का पोटेंशियल, रिजॉल्व करने का पोटेंशियल मेरे में है, तो अब मैं और ध्यान देता हूँ, जब पोटेंशियल है, चीजें दिख रही हैं, तो देख के इतना ही तो पूछना है कि सहज स्वीकार है कि नहीं है, तो वो पोटेंशियल मेरे में है, ये बात हम हमारे मानस में और होना चाहिए, तो फिर हम बाहर जो भी जाने लगते हैं ना वो नहीं जाएंगे, फिर हम ध्यान अपने पे देंगे तो हम उससे निकलने को प्रयास कर सकते हैं और निकल भी सकते हैं, ये लगता है मुझे दीदी। जी भैया बिल्कुल, जी धन्यवाद भैया। मैं और अपने उस पे ऑब्जर्वेशन को और थोड़ा और डीप करने की कोशिश करते। जी ऑब्जर्वेशन जी भी डीप करिए और इससे देखने का भी पोटेंशियल मेरे में है और उसके रूट पर जाकर रिजॉल्व करने का भी पोटेंशियल मेरे में है,
ये बात और ये ध्यान इम्पोर्टेंट रखेंगे। बात है। हाँ ये इम्पोर्टेंट जी चीज, उस समय तो भूल ही जाते हैं कि मतलब ये सारी चीजें। ये भी पूछना तो भूल गई थी कि क्या मैं मतलब इसके साथ में रहना चाहती हूँ, इन विचारों के साथ में रहना चाहती हूँ, या इस भाव के साथ में रहना चाहती हूँ, क्या ये इन भावों के साथ में रहना मुझे सहज स्वीकार्य है, ये भी भूल गई थी परसों। कल ये मुझे ध्यान रहा तो कल मैं मतलब वो आए भी, वो ही सहज मतलब स्वीकृति है नहीं है ये भी बहुत आराम से देख पाई, और फिर विचारों में भी नहीं फैला। तो कल फिर मैं इस चीज को जब मैं ऑब्जर्व कर रही थी तो कल काफी कंफर्टेबल थे। जी भैया, देखिए, महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जब चीजें रन टाइम पर हो रही हैं तब हमें ये स्टेप्स सब कर पाए, है ना। लेकिन अभी अभ्यास बस नहीं हो पाता है, चीजें हो जाती हैं तब हमारा ध्यान जाता है, स्टेप वन भी करना था, टू भी करना था। लेकिन वो ठीक है, मतलब वो ऐसा ही प्रोसेस है, ऐसा ही होता है, सबके साथ ही ऐसा होगा। कई बार जी होने के भैया, बाद ध्यान जाएगा, लेकिन हम बार बार उसको रिमाइंड करेंगे तो कुछ क्षण ऐसे भी हो सकते हैं जब हो रहा होगा और हमारा ध्यान चला जाएगा। तो एक बार, हाँ एक दो बार भी हम उन मोमेंट्स को देख लेंगे ना कि चीजें रन टाइम पर हो रही हैं और मैं ये स्टेप अपने से देख रहा हूँ और उसको पूछ रहा हूँ, और उससे जो हमको रिलैक्स मिलेगा वो हमारे लिए काफी उत्साह बनेगा, क्रिएट करेगा कि हम और भी चीजों को अपने में रन टाइम पर चीजों को रिजोल्व कर सकते हैं। भैया मैंने ये देखा कि जहाँ पे संस्कार गहरे हैं ना वहां ज्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ भी संस्कार गहरे नहीं है ना वहां तो ये सब चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं, लेकिन जहाँ बहुत बहुत ज्यादा डीप संस्कार बने हुए हैं वहां पे अभी ये जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं वो वहीं पे होती हैं। तो गहरे संस्कार है तो मतलब ज्यादा गहराई से ध्यान देना हाँ जी भैया, है ना। तो जितना गहरा जी संस्कार है उतना ज्यादा देर हमको ध्यान देना पड़ेगा उसको। जी जी भैया, धन्यवाद जी दीदी, ठीक है दीदी, भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी ठीक, को। भैया मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कोई सिचुएशन होती है तो उसमें बेसिकली हम रिएक्ट करते हैं तो वो हमारी पुरानी मान्यता जो भी सेट हुई भी रहती है उसके अकॉर्डिंग में भाव विचार को नहीं देखते हैं तो एकदम से रिएक्शन निकलता है। बट भैया मुझे एक चीज दिख रही है कि जैसे कि ना मेरी बहुत सारी मान्यताएं सेट हैं और उसमें आपने जैसे कहा कि सामने वाले का इंटेंशन सही है, हमें ये दिखना चाहिए, बट भैया मुझे ये नहीं दिख रहा कि सामने वाले का इंटेंशन सही है। मुझे ये दिख रहा है कि सामने वाले का इंटेंशन गलत है और वो जान के, तभी होता है ना कि किसी को डाउन करके ऊपर जाना, किसी को मतलब प्रॉब्लम में डाल के अपना काम निकालना, वो इस तरीके का काम कर रहा है। तो भैया उस सिचुएशन में सामने वाले के प्रति कैसे अपना भाव सहज रखें? जी, देखिए दीदी, अभी हम लोग जो मॉर्निंग सेशन में अभी बात कर रहे थे, है ना, उसी को मैं फिर से रख देता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो हम अपने विचार, भाव और स्वभाव पर ना जाते हुए दूसरा क्या कर रहा है उससे शुरू करते हैं। तो वो जो कर रहा है वो हमको ठीक नहीं लग रहा है, अगर ऐसा इंप्रेशन चला गया है तो अब तो हम उसको विरोध के भाव से ही देखेंगे, है ना। तो करने से हम लोग देखते हैं, जो कर रहा है वहां से शुरू करते हैं, भाषा से, शब्द से, उसके एक्शन से, उसमें जो है और मेरे में जो है हम लोग वहां से शुरू नहीं करते हैं। तो जैसे अगर मैं एक छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल दूं आपके एक्सप्लोरेशन के लिए, है ना, तो जैसे कि आपके घर में कितने भाई बहन हैं। भैया मैं मैरिड हूँ और हम लोग तीन देवरानी जेठानी हैं और एक नहीं, घर सास में है। बताइए, हम लोग छो घर में कितने भाई बहन हैं आपके, या सिंगल मेरे चाइल्ड हैं आप। पीहर में,
अच्छा, हम लोग तीन भाई बहन हैं भैया। ठीक है, बढ़िया है। तो आपके एक्सप्लोरेशन के लिए मैं ऐसे एक छोटा सा प्रश्न रख रहा था, है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। तो तीन भाई बहन हैं आप में, आप लोग बचपन में खेले होंगे, है ना, 8, 9, 10 तक आपस में रहे होंगे, साथ में रहे होंगे। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने भाई बहनों के साथ टॉयस को लेकर, किसी चीज को लेकर झगड़ा किया होगा, हो गया होगा झगड़ा, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? भैया एक्चुअली मेरा स्वभाव बचपन से ऐसा नहीं रहा। मैं बचपन से ही मतलब ऐसा था कि मुझे जब समझा दिया जाता था ना कि लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, तुम समझ जाओ, अगर वो नहीं समझ रहा ना तुम समझ जाओ, तो जैसे मेरी मम्मा मुझे समझाती थी कि नहीं, अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है या दीदी या भैया नहीं सुन रहे, तुम समझदार हो ना, तुम सुन लो। तो मैं हमेशा से मेरी मम्मा का बात मानती आई हूँ बचपन से ही। उन्होंने कहा है ठीक है चलो वो प्रॉब्लम में है तो मान लेते हैं। मैं ज्यादा बचपन की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे जितना याद है, जब से मुझे अपनी मेमोरी याद है बचपन की, मैं यही करती आई हूँ। मैं हमेशा अपनी मम्मा की बात सुन के कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी चीज ले लेती हूँ। तो मैं थोड़ी इस टाइप की, वो मैं अभी भी करती हूँ। तो वही है, कभी झगड़ा नहीं किया इस चीज को लेके भैया। फिर तो बढ़िया है, आपके संस्कार तो काफी अच्छे हैं पहले से ही, है ना। अब उसमें देखिए क्या है, जो इतना आप मुझे बता रहे हैं उसमें क्या है, हम चीजों को मान ले रहे हैं। तो किसी ने मुझसे कहा कि वो बड़ा है ना, या जो भी आर्गुमेंट दिया, तुम अपने को संभालो, अपने को सही रखो। तो हम यहाँ मानने से स्टार्ट करते हैं, तो जब मान तो हम लेते हैं, लेकिन हम अगर उन रियलिटीज को ठीक से नहीं देख पाए, मेरे में क्या इन्नेट है उसको हम ठीक से नहीं देख पाए, दूसरे में क्या इन्नेट है उसको ठीक से नहीं देख पाए, तो जो मानना है ना वो बहुत देर तक काम नहीं करता है। तो उसको हमको और ध्यान देना है। तो जो आप पूछ रही थी कि जब सामने वाला व्यक्ति बोलता है तो उसका इंटेंशन सही है, मुझे दिखता नहीं है, तो उसको और ध्यान से देखिए, अपने में भी देखिए। अपने में देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि मैं जितना भी काम कर रही हूँ, है ना, उसमें अगर कभी भी स्लिप होता है तो उसके पीछे क्या रीज़न रहता है, इंटेंशन या कॉम्पिटेंस? भैया यही नहीं समझ आता, मैं अच्छा ये चलिए, नहीं देख पा और रही हूँ। हाँ ठीक, मैं उसको और थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। जैसे अगर सिंपल भाषा में बात करें हम लोग, है ना, कि हम अपने शरीर की नर्चरिंग करना चाहते हैं, ये हमारा इंटेंशन है, ऐसा आपको दिखता है कि नहीं? जी भैया, जब भी आप अपने से पूछते हैं कि मैं अपने शरीर की नर्चरिंग करना चाहता हूँ, क्या इंटेंशन आपका है, तो यही आता है कि नहीं, है जी भैया, ना। लेकिन दूसरी साइड अगर हम लोग देखें तो कई बार टेस्ट के चक्कर में हम ओवर ईटिंग भी कर देते हैं, ऐसा हो होता है जाता है कि नहीं? भैया। वही हाँ कभी कभी होता है, बट भैया मेरे केस में वही, मैं इसको कंट्रोल करती हूँ, बहुत हाँ। तो कभी कभी भी नहीं होता है, करती। उसी केस को अगर ले ले हम, तो ये जो कभी कभी होता है, ये इंटेंशन आपकी सही नहीं थी इसलिए हुआ है, या हम दूसरे के प्रभाव में आ गए इसलिए ऐसा हुआ है, किसी वस्तु के प्रभाव में आ गए इसलिए ऐसा हुआ है? मैं आती हूँ बाहर। है ना दीदी, जी भैया, ऐसे दूसरे के लिए भी हम अभी देख सकते हैं, अगर सीधे सीधे नहीं देख पा रहे हैं तो भाई आफ्टर थॉट के रूप में तो देख ही सकते हैं कि दूसरा भी जो कर रहा है ये किसी प्रभाव में आके कर रहा है ना, सुख को उसने प्रभाव मान लिया है, उसमें आके कर रहा है या स्वभाव में रह के कर रहा है। इन बातों को अगर हम ठीक से देख पाएंगे तो कम से कम हम इस निष्कर्ष पर तो पहुंच ही सकते हैं कि स्वभाव वाला इशू नहीं है, ये स्वभाव वाला इशू है, ये हमारे अंदर ज्यादा इनर रिएक्शन देता है ना, ये इनर रिएक्शन ज्यादा देता है। तो उसको दिख जाए कि जैसे हमारे में स्कोप बना हुआ है बाहर की चीजों से प्रभावित होकर, है ना, कई बार हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, ये स्कोप हमारे में बना हुआ है,
यही स्कोप दूसरे में बना हुआ है, सिर्फ इतना इशू हो रहा है कि हम हमारा प्रभावित होना कम हो रहा होगा, दूसरे का बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये इश्यू किस चीज का है ये अपने में क्लियर हो जाए कि ये चाहना का इश्यू है, इंटेंशन का इश्यू है, या इस बात का इश्यू है कि उसने सुख को प्रभाव मान लिया है। तो अगर हमने सुख को प्रभाव मान लिया है तो बहुत सारा प्रभाव बनाने के लिए या अपना प्रभाव बना रहे दूसरों पर बहुत सारा हम कैलकुलेशन करते रहते हैं। अगर इसी तरह दूसरे ने भी सुख को प्रभाव मान लिया है तो अपना प्रभाव बनाने के लिए है ना, या प्रभावित दूसरी वस्तुओं से प्रभावित होने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम बनाता रहता है। तो अगर इतना दिख जाएगा तो हमको इतना परेशानी नहीं होगी। भैया मुझे एक चीज दिखी है कि मैं ओवर कैलकुलेटिव हो रही हूँ, जैसे कोई भी सिचुएशंस को लेके ना ओवर कैलकुलेटिव हो रही हूँ, तो और वो मैं हमेशा से होती हूँ। तो माइट भी हो सकता है ये भी एक रीजन है कि मैं रिजॉल्व नहीं हो पा रही हूँ ज्यादा कैलकुलेट करना, ऐसे कि यार तो मुझे ऐसे करना है, वो ऐसे कर देखिए, रहा है तो ओवर मुझे ये ओवर प्रतिक्रिया थिंकिंग, देनी है। ओवर कैलकुलेशन, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आधार में उसके भाव नहीं है, कोई मान्यता है। अगर भाव आधार में बना हुआ है तो आप खूब सोचिए, दिन भर सोचिए, रात भर सोचिए, क्या इसमें परेशानी थोड़ी ना लगे। अभाव बेस में बना है तो वो थोड़ा बहुत थिंकिंग करके भी परेशानी हो जाती है जी ना। भैया बेस तो ही थिंकिंग गड़बड़ है। मतलब, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ गड़बड़ है, वो आप अपने में देखिए, मैं तो बस ध्यान दिला रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग इशू नहीं है, है ना। थिंकिंग तो आप में चली रही है, क्रिया चल रही है, थॉट कंटिन्यूअस चल ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम सोचते ही रहेंगे, है ना। उसमें सोचने भैया में हमारा भाव आधार है या अभाव आधार है। तो जैसे इंटेंशन अगर क्लियर नहीं है तो अभाव आधार हो गया है। अब अभाव आधार हो गया है, मिसट्रस्ट आधार हो गया है, तो वो सब कैलकुलेशन करते समय हम परेशान तो रहेंगे ही। फिर हम हर बार डाउट से स्टार्ट करेंगे, हर बार फियर से स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे भी नहीं समझेगा, वो वैसे भी नहीं समझेगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। तो अगर भाव आधार में है तो फिर हम दूसरी तरीके सोचेंगे, अभाव आधार में है तो दूसरी तरीके सोचेंगे। तो उसको थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि थिंकिंग की क्रिया तो चल ही रही है। इशू ये है कि भाव के साथ हम उसको फैला रहे हैं कि अभाव के साथ फैला रहे हैं। ठीक है दीदी। थोड़ा ऑब्जर्व करने का करना मुझे। अब किसी ओवर थिंकिंग हो तो आप इस बात को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करिए, मैं अभाव के साथ कर रही हूँ, भाव के साथ कर रही हूँ, भैया अभी तो जैसे आप अभाव के ध्यान साथ दिला रहे हो ना करेंगी अभाव और भाव, तो मेरा भी इस जी। पे ही पूरा फोकस ही जा रहा है कि अभाव कहाँ हो गया, कोई नहीं मैं देख पा रही हूँ। अभाव तो अपने में ही हो गया है, और कहाँ होगा। देखिए मतलब हाँ अपने कौन, में ही कहाँ पर किस जगह पे हो रहा है वो नहीं देख पा रही हूँ कि कहाँ पे बीच में हाँ अभाव फील हो रहा है, वो जी चीज जी तो तो अपने में भी देखना पड़ेगा कल्पनाशीलता इसे। में हो रहा है, कल्पनाशीलता में भी जो वास्तविकता है उसकी जगह हमने कुछ मान लिया है, ये जो मान लिया है वहां पर जाके अभाव हो रहा है। तो वास्तविकता के रूप में देखेंगे तो मेरे में भी सहज स्वीकृति नेट है, दूसरे में भी सहज स्वीकृति नेट है, कल्पनाशीलता में चाहे कुछ भी चल रहा हो ये वास्तविकता है, लेकिन हमने मान लिया है जो इसकी कल्पनाशीलता में चल रहा है, यही इसका इंटेंशन है। ये मान जो लिया है ना, यहीं से अभाव शुरू हो गया है। अब ये अभाव शुरू हो गया इस मान्यता से, अब ये विचार में फैलता है। तो जब इस अभाव से हम दूसरे के बारे में विचार करते हैं तो अपने में संशय पैदा होता है, डिलेमा क्रिएट होते हैं, फियर रहता है ना। ये सब अपने में यहाँ से शुरू करते हैं। अब इसको लेकर अगर हम सोचेंगे तो अपने में परेशान होना तो फिर तय है ही। तो वो मान्यता की जगह हो गया, जो आप पूछ रही ना कहाँ हो गया, वो मान्यता की जगह हो गया। तो वास्तविकता की जगह हमने कुछ मान लिया है, तो फिर इसको कैसे भाव में रखेंगे, कैसे भाव तक पहुंचेंगे। तो वास्तविकता पे ध्यान दीजिए। तो वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता अगर कॉन्शियसनेस के रूप में देखेंगे तो कुछ इननेट है मेरे में और कुछ कल्पनाशीलता में चल रहा है, ऐसे ही दूसरे में भी कुछ इननेट है और कुछ कल्पनाशीलता में चल रहा है। जो चल रहा है उसके एन नंबर ऑफ फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो इननेट है वो तो मेरे में भी प्योर है, यूनिवर्सल है।
दूसरे में भी प्योर है, यूनिवर्सल है। इस वास्तविकता पे ध्यान देंगे तो वो जो मान्यता बन गई है वो लूज होगी। तो जैसे जैसे वो लूज होगी तो अगली बार जो हम उसके बारे को लेकर अपनी कल्पनाशीलता में सोचेंगे तो फिर वो भाव धीरे धीरे आधार बनेगा, अभाव नहीं बनेगा। तो इस मान्यता पर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, तो मान्यता की मतलब वास्तविकता पर और ध्यान दिया जाए तो मान्यता लूज होगी। जी दीदी नमस्ते जी, भैया, नमस्ते। नमस्ते। एक जनरल क्वेश्चन है भैया, कंसर्न टू सोसाइटी। मतलब हमारे बच्चे अभी, मेरे बच्चे अभी टीन एज में, 18 और 16 साल के बेटे बेटी हैं भैया। ये आप जो टीन एज में जो ये भैया, अब प्यार व्यार चक्कर में, अगर मैं भी कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, वो क्या घर में प्यार कम अभाव के कारण वो प्यार व्यार चक्कर में गिरते हैं भैया, कि या पुराना संस्कार जी का ये है? और ये काउंसलिंग कैसे कैसे करना है भाई? मतलब उन्होंने युवावस्था बहुत इससे नहीं होना, युवावस्था में अगर ऐसा ये हुआ तो डेवलपमेंट नहीं होगा भैया। ऐसा ओवरऑल मैं टाइम कम रहने की वजह से मैं कंसल्ट कर रहा हूँ भैया, क्या संस्कार की वजह से, पुराना संस्कार की वजह से हो रहा है भैया, क्या कम प्यार मिल रहा घर में, उसके वजह से युवावस्था भटक रही है भैया? जी देखिए, दो रीजन जो मुझे अभी इमीजिएटली ध्यान में आ रहे हैं मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग इस पर कभी और गहराई से चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जी, एक तो देखिए ये है कि अभी जब हम घर में रहते हैं ना एक दूसरे के साथ में, हाँ भाई, तो जब हम घर में रह रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति जिस योग्यता के साथ है, जिन संस्कारों के साथ है और जो उसमें इन्नेट है, इन दोनों को एज इट इज स्वीकारते नहीं है। हम अभी बहुत ही कंडीशनली चीजों को बनाए रखते हैं। अब बच्चा जब बाहर जा रहा है ना, तो बाहर उसको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले रहा है, बिना उसके मार्क्स के, बिना उसके कपड़े के, बिना उसके बॉडी लैंग्वेज के, एज इट इज एक्सेप्ट कर ले रहा है। वो हाँ कंडीशन नहीं भैया, लगा रहा है तुम्हारे मार्क्स कितने आते हैं, तुम्हारा है ना कितने बजे सो के उठते हो, कितने बजे जगते हो। भले ही वो टेम्परेरी हो, लेकिन टेम्परेरी में भी वो जैसा है उसको कोई स्वीकार ले रहा है। हाँ, अभी जिनके साथ इनोसेंट हम है। बहुत क्लोज रहते हैं वो जैसे हैं वैसे उनको स्वीकारते नहीं है। जैसे हैं मतलब उनकी कल्पनाशीलता की जो भी अभी स्थिति है उसको स्वीकारना, उसमें जो इन्नेट है उसको स्वीकारना। तो हम लोग आपस में जब रहते हैं ना तो बहुत सारा कंडीशन लगाते हैं, लेकिन अब उसको कोई हाँ एक व्यक्ति मिल जाता है जो अनकंडीशनली उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है, भले टेम्परेरी हो लेकिन कर ले रहा है, हाँ इसलिए वो ज्यादा रिलैक्स फील करता है कि कोई तो है जो मुझे मार्क्स के बेसिस पर जज नहीं कर रहा है, फीलिंग कोई तो अंडरस्टैंड है, कर ले। हाँ एज इट इज मुझे एक्सेप्ट कर ले रहा है। उसके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है कि मेरे मार्क्स कितने आते हैं, उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है कि फ्यूचर में मैं क्या बनूंगा, ये सब उसकी प्रायोरिटी में नहीं है। तो उसको कोई स्वीकार ले रहा है ऐसा व्यक्ति। तो एक तो ये मुझे लगता है कि है ना बाहर बच्चे ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं किसी के साथ। दूसरा एक बात यह है कि शरीर और संवेदना में सुख है, ये संस्कार तो काम कर ही रहा होता है। तो जिस व्यक्ति से उसे शारीरिक सुख मिलने लगता है ना, तो उस तरफ फिर बच्चा भागने भी लगता है। तो संस्कार भी जुड़ा ही हुआ है इसमें। हाँ, ये संस्कार का नतीजा भैया। ये अपने में ठीक है, ये सभी में मतलब बच्चों में ही नहीं है, ये संस्कार रूप में देखेंगे तो शरीर, मैं शरीर हूँ और शरीर की संवेदनाओं में ही सुख है। ये सब जितना अभ्यास कर रहे हैं ना वो इसी के लिए कर रहे हैं, उसका एक भाग ये भी है। इतना ही है कि हम दूसरी तरीके से चीजों को देख रहे होंगे, संवेदना वाले सुख को वो दूसरी तरीके से देख रहा है, लेकिन एक गहरा संस्कार तो ये है ही कि मैं शरीर हूँ और शरीर की संवेदनाओं में ही सुख है। तो ये एक गहरा संस्कार तो रहता ही है। क्योंकि तो ये लड़का दो लड़की रीजन तरफ मुझे अभी इमीजिएटली पेरे दिख। दोनों फैमिली के सुख बिखर रहा है भैया, है ना? लड़का क्या लड़की भैया तरफ फिर से का जो बोलिए। इनेट नेचर ऑफ हैप्पीनेस है वो बिखर रहा है इसके वजह से। तो काउंसलिंग करना, कैसे काउंसलिंग होना, क्या कैसे, क्या इसका सॉल्यूशन? देखिए अभी तो मैं 2 मिनट में बात रख देता हूँ आपके लिए, है ना, फिर
हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चे से पूछिए कि जिस व्यक्ति को भी तुमने चूज किया है ना, भाई, उसके साथ टेम्परेरी रिलेशन रखना है या लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है, तो डेफिनेटली वो आंसर देगा लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है, भले वो टेम्परेरी रख पाए अभी। फिर उससे पूछा जाए रिलेशनशिप रखना है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, विश्वास का भाव रहेगा तो पहला पहला रिलेशनशिप। पहला तो नहीं 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 मानेंगे उन्होंने, पहला पहला तो नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा छुप छुपा भी सकते हैं भैया है। तो नहीं मानेंगे फिर उनको फियर है, अगर उस पर बोल नहीं रहे तो उनको फियर है कि मैं सच बोलूंगा तो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होंगी, ये भय है फिर, हाँ भाई है ना। तो अब वो जब तक कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा तो ये बात हो ही नहीं पाएगी आगे। जब तक मालूम होता टाइम बहुत गुजर कैसा रहता भाई नहीं कोई बात नहीं, टाइम गुजर गया है, आपको देर में पता चला है, लेकिन अब बैठ के तय किया जाए कि विश्वास के भाव से आगे बढ़ेंगे, सम्मान के भाव से आगे बढ़ेंगे या केवल और पैरामीटर पर आगे बढ़ेंगे। तो अपने में ये संबंध को देखने की एबिलिटी डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही, इस पर ध्यान दिया जाए, तभी इतना संबंध चल पाएगा, नहीं तो कैसे चलेगा। भैया, वो एज में तो अब इन्फेक्चुएशन है क्या पैर है, वो भी उन लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको स्कोप तो बनाना पड़ेगा ना, और स्कोप तो संबंधी का आधार पर बनेगा, हाँ भैया करेक्ट, है ना। भले वो अभी इस बात को ना देख पा रहे हैं, लेकिन हम उनका इस पर ध्यान दिलाएं कि कैसे ज्यादा देर तक संबंध चल सकता है, भाव से ज्यादा देर तक चलेगा या केवल संवेदना से ही चलेगा। तो भाव वाले पक्ष पर हम और ध्यान दिला दें तो कम से कम वो कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं फिर, है ना। जी भैया कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होना जरूरी है। सही बात है, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो अट्रैक्शन किस सीमा तक पहुंच जाएगा वो मालूम नहीं पता लगाना चलेगा। ही बहुत मुश्किल काम है ना। तो पहला पॉइंट तो यही है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। हाँ भैया ठीक है भैया, फिर हम लोग क्योंकि अभी इस पर और डिटेल से बात करेंगे, है ना, कर सकते हैं दोनों का बात। जरूर, थैंक यू भैया, थैंक यू टॉप। जी, ठीक है। तो समय भी हो रहा है ना, 7:32 हो गया है, तो इसको आज हम लोग यहीं रोक लेते हैं। कल मैं स्टेप 3 पर बात करेंगे, फिर हम लोग स्टेप 1 2 3 इनको मिलाकर अपनी शेयरिंग रखना शुरू करेंगे। तो स्टेप 3 सिंपल है, जस्ट मैं रख दे रहा हूँ। तो जब हम स्टेप 2 में अपने भाव को देख रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, वो 3 बातें पूछ रहे हैं। अब मैं अपने से ये और पूछ लूँ कि इस भाव के साथ मैं आराम में हूँ या परेशान में हूँ, संगीत में हूँ या अंतर्विरोध में हूँ, सुखी हूँ या दुखी हूँ। ये स्टेप को इसमें और जोड़ लेते हैं, है ना। और फिर से बस इतनी बात ध्यान दिला दें कि अंतर्विरोध में हूँ या संगीत में हूँ जब पूछ रहा हूँ, और हमको अंतर्विरोध में आंसर आ रहा है तो हम उससे भागे नहीं, संगीत में आंसर आ रहा है तो हम उसको बनाए रखने का प्रयास नहीं करें। बस ये अपने में देख लेना है, ये जो भाव है इससे मैं अंतर्विरोध में हूँ या संगीत में हूँ, आराम में हूँ या परेशान में हूँ, सुखी हूँ या दुखी हूँ। इस स्टेप को हम लोग आज और जोड़ लेते हैं, फिर कल ये 3ों स्टेप मिलाकर हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग रखते हैं, है ना। नमस्ते सभी को मेरी तरफ से, कल हम लोग चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जी भैया। जी जी भैया।